हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की धमाकेदार जीत की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर टूर्नामेंट में अपनी छठी जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने 178 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे आरसीबी ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के हीरो रहे बल्लेबाज एबी डिविलियर्स। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक बार फिर नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। इस बार बेन स्टोक्स के साथ थे रॉबिन उथप्पा। दोनों ने राजस्थान रॉयल्स को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया और पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। हालांकि बेन स्टोक्स मॉरिस का शिकार हो गए। उसके बाद संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर पाए और चहल का शिकार बने, लेकिन कप्तान स्टीव स्मिथ ने शानदार पारी खेली और रॉबिन उथप्पा का भरपूर साथ निभाया। उथप्पा 41 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कप्तान स्टीव स्मिथ ने शानदार अर्धशतक लगाया। इसके बाद जॉश बटन ने भी 24 रन की पारी खेली। वही तिब्बतिया के बल्ले से 19 रन निकले। राजस्थान रॉयल्स ने अपने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। आरसीबी के लिए क्रिस मॉरिस सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट चटकाए। 178 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को एरन फिंच के तौर पर झटका पहले ही लग गया। हालांकि देवदत्त पड्डीकल ने अच्छी बल्लेबाजी की और 35 रन बनाए। इसके बाद कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने पारी को संभाला और दोनों ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर जमकर शॉट्स लगाए। हालांकि कोहली 43 रन बनाकर आउट हो गए और सारा दारोमदार एबी डिविलियर्स के कंधों पर आ गया। पारी का 19वां ओवर जयदेव उनाडकट ने कराया, जिसमें एबी डिविलियर्स ने 3 छक्के लगा दिए और अपनी टीम को लक्ष्य के काफी करीब ले गए। आखिरी ओवर में आरसीबी को 10 रनों की दरकार थी। गेंदबाजी के मोर्चे पर आर्चर थे, लेकिन चौथी गेंद पर जैसे ही एबी डिविलियर्स ने आर्चर की गेंद पर छक्का लगाया, मैच आरसीबी के नाम हो गया। आरसीबी की इस टूर्नामेंट में छठी जीत है और ये टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स पर शानदार जीत के बाद आरसीबी ने एक बार फिर बता दिया है कि आखिर क्यों उन्हें इस बार लीग का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूनिवर्स स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुनिया लॉक, लेकिन आईपीएल ऑन। पिच पर कौन इन और कौन होगा आउट। रणभूमि में किसकी दिखेगी पावर। आठ टीमों की धुआंधार टक्कर। लीग के हर मैच का, टॉस से आखिरी कैच का, हर अपडेट रहिए अप टू डेट। देखिए एनएन स्पोर्ट्स।